अदर अब्बास से हमारी दोस्ती थी बहुत अच्छी, और उनसे झगड़ा की बात पे रहता था। वो सिगरेट थी, मैं पीता नहीं था, वो बहुत ज्यादा पीते थे। तो वो एक मरतबा ये हुआ कि जब यहाँ पे कस्बा कॉलोनी और अलीगढ़ पे हमला हुआ, एक ज्यादा उसमें तस्करा ये हुआ कि भाई ये मनीषात फरोशों ने कराया है, किया वो किया, इस तरह की बातें आ रही। तो एक हमने पोस्टर छापा था मनीषात के खिलाफ, वो पोस्टर जो है वो इकबाल मेहदी से बनवाया था, और वो कैलेंडर की शक्ल में बड़ा सा वो बना था, बनाया था उसको। तो उसमें वो एक शख्स है, वो नशे का आदि और सिगरेट विगरेट पी रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, तो इस तरह का था वो बहुत ही। वो पोस्टर जब हमने डिस्प्ले किया तो अजहर साहब ने जो है हत्थे से उखड़ गया और बेस मार उसको जो है ना, उन्होंने सुनानी शुरू की, तुम हमेशा यही करते हो, तुम मेरे खिलाफ हो, ये। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई कि क्या बात हुई, मेरे जहन में ये बात बिल्कुल निकल गई थी मेरे जहन से। फिर बाद में मैंने उनको जाके बहुत समझाया, मैंने कहा भाई ये तो हमने इस वाक़े के पस मंजर में बनाया था, आपका इससे क्या लेना देना है, और 1 लाख लोग पाकिस्तान में सिगरेट पीते हैं, और उन सबको लिए मैं पोस्टर बनाऊंगा, तो ये हुआ था। और कोई याद एकदम आपने अजहर अब्बास की बात ये कही तो उनके बारे में कोई और आपको जहन में अगर कोई बात हो तो? अजहर अब्बास का मेरा मामला ऐसे ही था, यानी वो हालांकि मज़ाहिर इतना ज़्यादा हमारा वो नहीं था, लेकिन ये कि मतलब जब कहीं जाना होता था, मुझे पता नहीं क्यों तुफैल साहब जो ये करते थे, एक दफ़े मैं और वो और तुफैल अब्बास साहब हैदराबाद गए यहाँ से, और उन्हीं की गाड़ी में गए, अजहर साहब की गाड़ी में गए, बेचारे चला के ले भी गए और ले भी आए, तो बहुत ज़्यादा वो था उनसे, और मतलब साथ रहा उनका, आपका और। चले।